तो फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक वाइटल पॉइंट, और ये हम बिगिनर देर जो बिगिनर हो, बार्स को पाल रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मैं ये फोकस करने के लिए बोलूँगा खाने पीने में ध्यान दीजिए। तो व्हाट इज सॉफ्ट फूड और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट फूड हम लोग बार्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रोवाइड करना भी चाहिए, ज़रूर ध्यान दीजिए। और ऑलरेडी सॉफ्ट फूड के ऊपर मेरा शांतनु बार्स के चैनल पे बहुत सारे तरीका मैंने प्रोवाइड किया है, मतलब वीडियो अपलोड किया है। स्प्राउट फूड, एग फूड, चिकन फूड, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके सर्च करके, वीडियो में सर्च करके अब देखिएगा, बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। लेकिन फिर भी हम इधर एक वीडियो बनाना चाहते हैं जो व्हाट इज़ सॉफ्ट फूड और सॉफ्ट फूड क्यों देना चाहिए, कितने किस्म का सॉफ्ट फूड होना चाहिए या होते हैं जो हम लोग बार्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आपका बार्ड्स का हैबिट है कि नहीं, लेकिन कैसे भी हैबिट ना हो भी तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। देखिए, सॉफ्ट फूड है ऐसे खाना जिसमें वैरायटीज ऑफ खाने के साथ साथ मेन जो चीज़ है वो है लिक्विड कंटेंट होता है, लेकिन बार्ड्स ज़्यादातर ड्राई कंटेंट, मतलब सीड्स या कोई सूखा हुआ चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग सूखा हुआ खाने पे, जो आज के डेट में एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम वीडियो ला रहे हैं, जो ऑफ ब्रीडिंग में मेडिसिन और सीड्स, और ब्रीडिंग सीजन में आपका बोलिए ना सिकॉट, मतलब ऐसे कोई ऑयल या एवियन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है जो आपको नहीं करना चाहिए। फिर अब लोगों का क्या राय है नहीं है, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रीडर हैं, ऐसे भी करते हैं जो करना नहीं चाहिए। अब अगर खाना पीना सही से, मेरे कल ही एक दादा भाई ने फ़ोन किया था, उसका कनूर है ऐसे शौक के कारण, कोई मल्टीविटामिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाना पीना प्रोवाइड कर रहे, मेरे जैसे भर भर के बच्चा मिल रहा है यार, कोई भी क्लैच मिस क्लैच नहीं है। और हम लोग इतना सारे चीज़ प्रोवाइड करके बच्चा मर जा रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं मानो या ना मानो उस बार्ड्स का नहीं है। बार्ड्स का क्या है, वो तो एक केज में, ये कॉलोनी में बंद है। हम लोग जैसे जब प्रोवाइड करेंगे वो वैसे ही खाएंगे और वैसे ही खुद के भीतर डेवलप होगा, तो उसका कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों का है। तो सॉफ्ट फूड के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, सॉफ्ट फूड के बारे में जानिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद ये आपको अभी भी अपील लग रहा है, इतने सारे चीज़ हमको करने का टाइम नहीं है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे बेजुबान को घर में पाल के उसको मतलब तकलीफ मत दीजिए। आपको पालना है, शौक है, तो आप नेचुरल जियोग्राफी चैनल देखिए, आप डिस्कवरी देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छा अच्छा एनिमल्स और बर्ड्स के रिलेटेड वीडियो मिल जाते हैं। यूट्यूब सर्च कीजिए तो दूसरों के देखे आप मज़ा लीजिए, लेकिन अगर करना चाहते हो तो करो सही से, तभी जाके देखिएगा, किसी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा और अच्छा खासा ब्रीड भी ले पाओगे। देखिए, सॉफ्ट फूड के बारे में तो थोड़े बहुत आइडिया मैंने दिया, जिसमें भीतर बहुत सारे न्यूट्रिशन और बहुत सारे वाटर कंटेंट, मतलब लिक्विड कंटेंट होने से जो एक बार्ड्स के शरीर को, हेल्थ को चलाने के लिए मदद करते हैं। अभी चलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट फूड जो हम बार्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक, जो ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें सीजनल फूड जैसे बरबोटी हो गया, बीन्स हो गया, जो सीजनल फूड्स होता है ना, इस वेजिटेबल्स होता है जो सीजन में मिलता है, गर्मी के सीजन में अलग अलग। अभी तो क्या है, देखिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में और डिमांड है, तो हर सीजन में हर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो उसमें भी आपको सही से साफ सुथरा करके प्रोवाइड, तो इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बार्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। सेकेंडली, स्प्राउट फूड, सप्ताह में सब कुछ के फायदे के लिए स्प्राउट फूड बहुत ही बढ़िया होता है। स्प्राउट फ्रूट जिसमें प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जैसे मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया, स्प्राउट फूड से लीवर डिटॉक्स भी होता है। इसीलिए स्प्राउट फूड सप्ताह में कौन कौन चीज़ का, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, मूंग दाल हो गया, आप बाजरा भी को ले सकते हो, बहुत सारे जो सीड चीज से अंकुर निकल सकते हैं वो सारे चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभी मैंने ये भी बोला, जो स्प्राउट्स अगर मिट्टी में आप डाल रहे हो, मतलब एक टॉप में आप कुछ सीड्स डाल दीजिए, ऐसे चना, ये उससे जो पौधा उगेगा उस पौधा को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मतलब एक खजाना होता है न्यूट्रिशन का। लेकिन फिर भी टाइम नहीं है, उसके ऊपर भी मेरा इस चैनल पे वीडियो है, तो स्प्राउट फूड सप्ताह में 2-3 बार जरूर यूज़ कीजिए। और बेबी टाइम पे, जब बेबी हो रहा हो, आपके पास बेबी बार्ड है, तो स्प्राउट फूड जरूर प्रोवाइड कीजिए।
उसके बाद आते हैं एग फूड, जो एग फूड एक बड़ा पॉइंट होता है जिसमें एनिमल प्रोटीन का सोर्स होता है। बार्स जब वाइल्ड में होता है तो उसको बहुत सारे वेजिटेरियन प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन की सख्त ज़रूरत पड़ती है शरीर को मेंटेन करने के लिए और ब्रीड करने के लिए। हम लोग जब कैप्टिव में उसको लेकर आए तो एक फूड की सख्त ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक एक सुपर और कंप्लीट फूड होता है, माना जाता है ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो ऑब्वियसली एक फूड को अब बॉयल एग, बॉयल राइस, उसके साथ वेजिटेबल्स, उसके साथ कुछ छत्तू या जो लोग विप्लस यूज़ कर रहे हो उसको ड्राई करके प्रोवाइड कीजिए। बहुत बहुत ही, मैं तो अभी देखिए तभी तो इंटर आ रहा है, मतलब चल रहा है, मैं जो देसी मुर्गी का अंडा होता है ना, जो मैं खुद के लड़का के लिए लेकर आता हूँ, और मेरे बार्स वही एग खाते हैं, मतलब पोल्ट्री का एग नहीं, वो देसी मुर्गी का अंडा बहुत ही चाव से खाते हैं। हम तो एक दिन गैप गैप देके कुछ बार्स को प्रोवाइड करता हूँ, जिस घर में बेबी है तो सभी को प्रोवाइड करता हूँ। बच्चा का ग्रोथ देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारे देखी, मैंने आज का मतलब मैंने खुद का रिजल्ट शो नहीं किया क्योंकि बहुत अभी बच्चा हो रहा है इसीलिए। और एक कारण है जो बहुत सारी दिशा में बच्चा का एक्सपायर हो रहा है, तो खुद दिखा के क्यों खुद आप लोगों को डिमोटिवेट करें। आप सभी के, मेरा मकसद है सभी के घर में एक खुशहाल ज़िंदगी हो, जो बच्चा बेबी जब जन्म हो तो जिंदा रहे। तो एक फूड को ज़रूर आप प्रोवाइड कीजिए, फूड बनाना ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, इसमें जान सकते हो। इसमें और एक चीज़ है जिसको हम लोग सोक फूड बोला जाता है, मतलब दाल जैसे, चना जैसे, इसको भी सोक फूड, मतलब पानी को सोक कर लेता है ऊपरी भाग से, आपको उसको लगेगा आपका सख्त है लेकिन भीतर में नरम होता है। तो उसी के चलते सोक फूड को भी हम लोग, बहुत ही प्रोटीन का सोर्स होता है इसमें, विटामिंस, मिनरल्स, हम बोलेंगे जैसे मूंग दाल हो गया, चने का दाल हो गया, आपका ब्यूली का दाल हो गया, आपका अरोर का दाल हो गया, ऐसे कोई 5-6 किस्म का दाल को मिक्स करके भी, जैसे दाल मिक्स मैंने बोला, ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो। आजकल फिफ्थ पॉइंट जो है चिकन फूड, ये सभी के लिए नहीं, मैंने इस चैनल पे पहली बार चिकन फूड ऑलरेडी बहुत लोग जैसे ग्रे पैरोट ये सारे बार्ड्स को चिकन की सख्त ज़रूरत है, बॉइल्ड चिकन को, लेकिन बहुत लोग उस टाइम पे मेरे को फ़ोन किया था आज से 2 साल पहले, जो दादा मेरे पास फिंच है, जावा है, एंट का अंडा, ये सारे चीज़ जो बगर बगर का वॉर्म्स वगैरह देते हो ना, तो मैंने भी उस टाइम पे मेरे पास फिंच था, मैंने खुद उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो चिकन एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हर कोई बार्ड्स के लिए, जो एनिमल प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। मेरा लवबर्ड भी चिकन खाते हैं, गनूर का जब बेबी होता है हम चिकन प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा मात्रा में, मतलब इतना सा नहीं, उसको जो ज़रूरत है उसी मात्रा में हम यूज़ करते हैं। और फिंच जावा तो खाते ही खाते, अभी फिंच नहीं है, जावा है, वो तो उसका एक दिन बाद का खुराक है। और एक फूड होता है फ्रूट्स, मतलब फल जैसे एप्पल, गुआवा, ये सारे चीज़। देखिए मैं जो एक चीज़ में ध्यान देखी, इतने किस्म का सॉफ्ट फूड का तरीका हो सकता है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ऑयल, OIL, जो वाइट ऑयल होता है ना, जैसे मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, इसको आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ, स्प्राउट फूड के साथ, एग फूड के साथ, दाल मिक्स के साथ, या जैसे मान लीजिए और एक फूड आप कस्टमाइज कर सकते हो, चना ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, भुट्टा ले लीजिए, आपका अभी तो वो जो कराउस मतलब ग्रीन सूटी जो जिसको बोला जाता है, जैसे आज विंटर में होता है कच्चा, उसमें भी मैं खुद इसमें ये ऑयल यूज़ करता हूँ। तो ये सारे चीज़ में और फ्रूट्स में मत दीजिए, चिकन तो कुत्ते इसके भीतर अगर बॉयल करोगे तो इसका जो ये ऑयल है खुद निकलते हैं, इसमें भी थोड़ा मिकदार में ऑयल आप प्रोवाइड कर सकते। इतने किस्म के फ्रूट्स को छोड़ के इतने किस्म सभी में हम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, जो एक अच्छा खासा एनर्जी का सोर्स बन जाता है। और मैंने जो आप लोगों को दिखाया, जो हेल्दी टेस्टी जो ऑयल है, जो उसमें विटामिन ए, ई एंड डी होता है, तो और भी थोड़ा सा मिनरल्स भी होता है, देने में अच्छा होता है। और ऑयल को भी हम लोग जैसे सनफ्लावर ऑयल, राइस बैंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सभी को मिक्स करके भी या नारियल ऑयल, सभी को मिक्स करके प्रोवाइड भी कर सकते हैं। देने का तरीका बार्स के अनुसार अलग अलग होगा, क्वांटिटी मतलब परिमाप कितना होगा। तो ये जो सॉफ्ट फूड का जो टाइप्स है, ये सभी चीज़ भगवान की दुआ से मैं खुद बार्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे एवियरी में, इसीलिए शायद नहीं, इसीलिए मेरे को मेडिसिन कॉस्ट
MEDICINE मेडिसिन कॉस्ट 1% लगता है सिर्फ सारा साल में, क्योंकि मैं बोल सकते हूँ ना के बराबर मेडिसिन यूज करता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा ज्यादातर मैं इन्वेस्ट करता हूँ ये सारी चीजों में, ठीक है, जो नेचुरल है जो शरीर में, तो हाँ कोई भी चीज को उसके हिसाब से यूज करो, उसका एक बैलेंस तरीके से यूज करो। क्योंकि जैसे मान लीजिए मटन, मटन बहुत सारे अच्छा प्रोटीन, रिच प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन ये अगर हम लोग डेली खाए या सप्ताह में 2-3 बार खाए तो हम लोगों का किडनी लीवर सभी में प्रॉब्लम आ सकता है एक ड्यूरेशन के बाद। वैसे ही हर जो अच्छा चीज़ है उसका एक बैलेंस मात्रा होना चाहिए। जैसे और एक देखिए, जैसे आप लोग काम कर सकते हो 7 दिन में इसको तोड़ लीजिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स 1 दिन दीजिए, स्प्राउट फूड 1 दिन दीजिए, एक फूड 1 दिन दीजिए, मतलब अगर आप जैसे मेरा 2 टाइम का सॉफ्ट फूड चलता है तो हर किस्म का चीज़ मैं घुमा फिरा के दे दे। मान लीजिए जिस दिन एक फूड दिया है उस दिन मैंने चिकन नहीं दिया है, फ्रूट्स दे दिया है बड़ा बर्ड्स को या जो बर्ड्स है, जिस दिन ग्रीन वेजिटेबल्स दिया है उस दिन चिकन, मतलब कोई शेड्यूल नहीं रहता है, लेकिन ये सारे चीज़ मैं खुद यूज़ करता हूँ मेरे बर्ड्स के लिए। इसीलिए मेडिसिन कॉस्ट मेरे को, मतलब जो सप्लीमेंट है, देखिए सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा करता हूँ, मैं एलोपैथिक भी करता हूँ होम्योपैथिक भी करता हूँ। जो सप्लीमेंट नट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को सप्लीमेंट के हिसाब से मत देखिए, वो एक ज़रूरतमंद मेडिसिन है जो ज़रूरत पड़ने से यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी एक परसेंटेज में। सप्लीमेंट मतलब मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विश्वास करो मैं ये सप्ताह में कभी मन किया मैंने एबिनासाटाइबा अल्फा को मिला के दे दिया, सप्ताह में 1-2 दिन इच्छा किया कभी पानी में दे दिया, कभी उसके बगल मतलब बाद वाले जो सप्ताह आता है मतलब वीक आता है मैं जिंकोविट और कैल्शियम को पंच करके दे दिया, ये मेरे मन के हिसाब से। नहीं तो ज़्यादातर ये और नेचुरल पानी, जैसे कभी अजवाइन का पानी, कभी ये पानी, कभी जो जो आप लोगों के साथ शेयर मैंने किया है, इसीलिए बोल रही हूँ बिगिन वाले लेवल पे ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इतने किस्म का सॉफ्ट फूड होता जाए होता है इसमें ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसको आप लोग एक दिन में नहीं सीख सकते हो, ठीक है, इसको आप लोग एक दिन में नहीं सीख सकते हो, अगर आपको सीखना है तो आपको सही से काम करना पड़ेगा। सप्ताह में जो वीकली वीकली हम लोगों को 7 डेज मिलता है, ठीक है, ये 7 डेज को एक रूटीन बना लीजिए, जो रूटीन जो मतलब ये जो रूटीन होता है ना, ऐसे 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 जो एक चार्ट होता है, ये चार्ट आपका एवियरी पे चिपका हुआ रहेगा और आपको याद भी रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता रटना पड़ेगा। जो इस दिन मंडे को ये प्रोवाइड करूँगा, संडे संडे को ये करूँगा, वेनेसडे को ये करूँगा, ऐसे करके अगर आप हम लोग डेवलप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 6 से 1 साल के भीतर ये सारे चीज़ हम लोग एक बैलेंस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बाद से देखेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी नहीं, अब मेरे इधर 100% ये तो वीडियो रह जाएगा ना, 100% गारंटी हम दे रहे हैं। जब करके देखिए सॉफ्ट फूड के ऊपर, ज़्यादातर आप सॉफ्ट फूड के ऊपर फोकस कीजिए, आपको वादा करता हूँ कोई आपको रोक और टोक नहीं सकता है, इतना दूर निकल जाओगे आप। हाँ। मतलब आप लोगों का क्या है, मान लीजिए अगर ग्राफ होता है उन्नति का, मान लीजिए ये ब्रीडिंग है BRDDING, ठीक है, ये ग्राफ है एक ऐसे जैसे XY जो होता है, कुछ लोगों का ग्राफ क्या होता है मेरे को जो फॉलो करके चल रहे हैं, ये हम खुशी के बाद बोल रहे हैं, कोई अहंकार नहीं जता रहे हैं आपको, उसका जो पहले ग्राफ था ऐसे ऐसे था, अभी ऐसे ऐसे जा रहा है। और कुछ लोग आप लोगों का क्या होता है, अचानक से ऐसे उठा फिर नीचे गिर गया, फिर उठा नीचे गिर गया, ऐसे ऐसे अभी डाउनफॉल जा रहा है, तो एक ही वजह है सप्लीमेंट से दूर रहिए, सप्लीमेंट को यूज कीजिए, मतलब जैसे पेन को हम यूज कर रहे हैं ठीक है, वैसे ही सप्लीमेंट को जरूरत के टाइम पे यूज कीजिए, ज्यादातर ये सॉफ्ट फूड के ऊपर फोकस कीजिए, SOFTFWES, ये सॉफ्ट फूड को, जितने टाइप का सॉफ्ट फूड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस हर सॉफ्ट फूड हम लोग बार्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका बार्ड्स का क्या हैबिट है,
या सेमी एडल्ट एडल्ट बर्ड किसी ब्रीडर के पास या किसी ट्रेडर के पास, क्योंकि आज के डेट में जो जेन्युइन ब्रीडर है वो ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन जो पैसा के पीछे भाग रहे हैं आपको सीड्स और मेडिसिन का ही मतलब बर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपके घर में आने के बाद देखिएगा सॉफ्ट फूड में मुंह नहीं लगा रहे, उसको सीड्स दीजिए और सीड्स खा रहे, क्योंकि छोटी उम्र से उसको ब्रेन के ऐसे ही डेवलप हुआ हो गया है, जो खाने का मतलब हमको सीड्स खाना है और पानी ऐसे कुछ मिलावट करके पीना है। तो इसीलिए ऐसे मेरे पास फोन आता है, इसीलिए बोल रही हूँ सॉफ्ट फूड को मेरा बार्ड्स, मेरे घर में अभी जो बेबी है जो सब सेल्फ फीडिंग में आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, पहले सॉफ्ट फूड खाना सीखेंगे फिर सीड्स खाना सीखेंगे, तभी जाके हर घर में जाके कुछ ना कुछ मतलब कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होता है, और देसी जुगाड़ से मैं काम करता हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, बारीक से ध्यान दीजिए, सॉफ्ट फूड ये आपका भविष्य है, इतना लिख कर रख सकते हो, ये मेरा वर्ड। हो सकता है बहुत लोगों से मैं उम्र से छोटा हूँ, लेकिन आज जो कह दिया सॉफ्ट फूड आपका भविष्य है इस फील्ड का, इसको अगर सही से अपना लेते हो जान लेते हो धीरे धीरे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ब्रीडर बनने से या इस फील्ड में ग्रो करने से, लेकिन अगर सॉफ्ट फूड को छोड़ के आप स्वीट्स और मेडिसिन के पीछे भाग रहे हो तो आपको आपका ग्राफ हमेशा डाउनफॉल ही जाएगा, कुछ टाइम के लिए उठेगा फिर गिरेगा। और हमेशा बोल रही हूँ अगर सेटअप बनाना चाहते हो तो अच्छे ब्रीडर से सेल्फ फीडिंग बर्ड्स को परचेस कीजिए, सेल्फ फीडिंग का मतलब जो बर्ड्स खाना सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, इसी को घर में ले आके अपने वातावरण में उसको रेडी कीजिए, आप जो खाना, जैसे मैंने ये सारी चीज़ इतने पूरा लिस्ट को दिखाया मैंने सेल्फ फीडिंग से शुरू किया तभी जाके मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, तो आप लोग भी कीजिए, वो अपने वातावरण में बड़ा होगा, आपका खाना पीना से बड़ा होगा, तो भर के बच्चा देंगे। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।